नमस्कार सर, क्या कर रहे हैं आप? जी हाथ पैर धो रहे हैं, बकरे बकरी खिलाया है। अच्छा, हाथ पैर धो रहे हैं। आप लोग ऐसे अभी आ गए, फिर तो हम निकलने वाले थे। कहाँ जा रहे थे सर? चले घर जाते। अच्छा, कितने बजे से आए हैं सुबह से? आज तो बहुत सवेरे आ गए थे, क्योंकि डिवॉर्मिंग करना था। अच्छा, तो 8 बजे डिवॉर्मिंग किया है जी, और हम 7 बजे आ गए थे। सफाई वफाई करवाया। अच्छा, और करवाने के बाद तो सफाई फाई करके चला गया जी। तो फिर 8 बजे डिवॉर्मिंग किया, लगभग 2.5 घंटा इंतज़ार किया। उसके बाद जो उन लोगों सबको भूसा चारा उरा दिया जी, देने के बाद उसके बाद निकल रहे थे। वैसे ही आप लोग आ गए, डिवॉर्मिंग किया सर। तो डिवॉर्मिंग में कौन सी दवा इस्तेमाल किया सर आपने? की दवा आज तो हम दवा डिवॉर्मिंग के इस्तेमाल किया है, इवरमेक्टिन हाईटेक। हाईटेक सर, एक बार शीशा दिखा दीजिए, बोतल दिखा दीजिए। ये सर का फार्म है, एक बार आप लोग देख लें। सर ने बहुत तरह के पेड़ लगा रखे हैं, इसमें कटहल लग रहा फालसा है। ये जो है आपके गुलड़ का बहुत सारा सब है, उधर सबको भी काट काट के खिला रहे हैं, खिला दिया। इधर गुलड़ है, देखिए अभी काटा है जी। तो ये उसकी डाली है, गुलड़ ही की है। और ये फालसा है, ये आपके अमरूद है, ये बाहर वाला थाई गुआवा अमरूद है ये जी। और ये नीम का पेड़ है, ये नीम का पेड़ है, नीम का पेड़। हाँ, नीम है। और ये आपके जो है ये है गिलोय है, गिलोय जो आपके डेंगू वगैरह में बहुत फायदा करता है। हाँ सर, तो बहुत से लोगों को दिया है डेंगू, नहीं भी तो 1000 से ऊपर लोगों को डेंगू का दिया है, जो भी आए हैं उनको दिया है। हम बकरी को भी खिलाते हैं, उससे जोंक वोंक में कमी होती है जी, यानी तेजी से नहीं होता है, लेकिन फिर भी जोंक हो ही जाता है, फिर कीड़ा उड़ा हो ही जाता है, लेकिन फिर कम होता है जी। तो ये बहुत फायदा करता है, नीम और ये देते हैं, नीम और ये। हाँ, ये बहुत शौक से खाती है बकरी। सर दवा दिखा दें सर ये। हाँ, ये जो आज हमने किया है जी, इवरमेक्टिन इंजेक्शन IP है, जो मांस में गोश्त में दिया जाता है, चमड़ी में नहीं दिया जाता। तो भाई ऐसे लोग चमड़ी में भी डालते हैं होंगे, लेकिन हम तो इसको जो है मांस में डालते हैं। अच्छा, तो हाईटेक बहुत हाई पावर की है, और 20 किलो से नीचे के जानवर को नहीं दिया जाता। अच्छा, वो भी 1 ml दिया जाता है। 1 ml? हाँ, 20 से 30 किलो के बीच में 1 ml दिया जाता है। और तो एक्चुअली सब गाय भैंस के लिए है। अच्छा, बहुत अच्छी दवा होती है। और भी दवा कौन सी डिवॉर्मिंग में दिया जा सकता है सर? डिवॉर्मिंग में आप कोई भी दवा जो है, आप आइए देखा लेते हैं। डिवॉर्मिंग में बहुत सारी दवा है, बहुत एक दो दवा नहीं है, एक दो दवा बता दिया जाए। एक एल्बो मार भी बहुत अच्छी दवा होती है। यस सर, एल्बो मार है, वीरबैक का है, ये भी बहुत अच्छी दवा होती है। ये है आपके एल्बेंडाजोल है, और एक होता है फेनबेंडाजोल का होता है, उसके तो अलग अलग एक्चुअली होता है। एल्बेंडाजोल ही एल्बेंडाजोल के नाम पर वो होता है, उसके नाम पर बहुत सारी दवा, बहुत सारी कंपनी है। एक नीलदान भी होता है, वो भी बहुत अच्छा होता है। यस सर, हाँ ये सब। और उसके अलावा टैबलेट भी इसका मिलता है, टैबलेट तो मे भी होगा तो होगा, देखते हैं, या घर पर रखा हुआ होगा। टैबलेट तो हो सकता है कि घर पर रखा हुआ हो। और अभी फीवर वगैरह आ गया था। अच्छा, तो उसको मेलानक्स प्लस इंजेक्शन दे रहे थे। अच्छा, और उसके अलावा एक और इंजेक्शन है आपके, कहाँ गया, जेंटामाइसिन। तो यही बुखार अभी जब बच्चे लोग को सबको आ गया है, तो हवा पानी बदला है, मौसम बदला है, तो हो ही जाता है। आप लाख इंतजाम कीजिए, आदमी में भी होता है, लाख ही कीजिए, लेकिन हो ही जाता है। तो सीजन चेंज में बरसात में ये सब होता रहता है। हाँ सर, अभी बरसात का मौसम आ रहा है, बकरीद आ रही है, तो जो लोग 10 दिन पहले 20 दिन पहले जो अपने घर बकरी ले आते हैं, खस्सी ले आते हैं कुर्बानी के लिए, और उनका खस्सी बीमार पड़ जाता है, तो उनको फर्स्ट एड में क्या क्या रखना चाहिए? जैसे कि
बुखार उखार के लिए? यही है, बुखार के लिए यही दवा है आपके। ये तो बहुत अच्छी दवा मानी जाती है, मेलोनेक्स प्लस। मेलोनेक्स प्लस और वो क्या नाम है, जेंटावेट जो है इसका, जेंटामाइसिन का, बुखार के लिए, बदन हाथ के दर्द के लिए ये दवा बहुत अच्छी मानी जाती है। और ऐसे तो जनरली है आपके वो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, वो जनरली है। अगर बीमार है और आपको बीमारी का पता नहीं चल रहा है कि क्या है क्या नहीं है, और डॉक्टर आपके पास नहीं आ रहा है या नज़दीक में आपके डॉक्टर नहीं है, तो उसके लिए ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन अच्छी दवा होती है। लेकिन जानवर को मेरे देखे बकरी खस्सी को नहीं हुआ है। अच्छा, बकरी खस्सी को नहीं होने की वजह कि हम तेल बनाते हैं। कौन सा तेल सर? ये कड़वा तेल है, ख़त्म हो गया, थोड़ा सा रह गया है जी। तो हम ये एक बोतल का कड़वा तेल बना लेते हैं, इसमें लहसुन, अदरक, मंगरेला, मेथी, अजवाइन, हाँ अजवाइन और ज़ीरा वगैरह ये सब डाल के, सौंफ उफ डाल के बना देते हैं। तो बीच बीच में जो है आप हफ्ता 10 दिन पर एक दिन दो दिन दे देते हैं, 5-5 ml, तो कंट्रोल हो जाता। तो क्योंकि वो बहुत छोटा बच्चा है और इसमें बहुत सारा मसाला है तो गर्म होगा, इसलिए नहीं देते हैं। तो बच्चे को हो गया है। और ये सब जब भी दीजिएगा तो उसके साथ आपको ये ज़रूर देना होगा, क्या नाम है इसका है, लीवर की दवा होती है, ब्रोटॉन ली 50, हाँ ली 52 है, ब्रोटॉन है या ये है, ये सब उसी की दवा है लीवर की जी। मतलब वो दवा, ये तेल पिलाने के बाद, तेल नहीं तो ये अगर इंजी आप जैसे कहीं दे रहे हैं दवा में हार्ट दवा को इंजेक्शन वगैरह है जी, आप जैसे डिवार्मिंग करते हैं तो उस पर लीवर पर इफेक्ट पड़ता है। अच्छा, तो उसके लिए आपको जो है ना लीवर टॉनिक देना ज़रूरी है, कम से कम एक हफ्ता जानवर के वेट के हिसाब से, 5 ml, 7 ml, 8 ml, 10 ml, जैसा जानवर है वो दिया जाता है। और बाकी तो इस पर लिखा ही रहता है डब्बा पे, हाँ, डोजेज का जी। और ये सब तो वही बुखार उखार की सब की है, सब तो पुरानी हो गया और पिछले बार ही हुआ था। नहीं वो उसका टैबलेट ही मिलता है, वो टैबलेट हम देख रहे हैं कहाँ पे है, लगता है घर पे है, यहाँ नहीं है। तो उसका जो है एल्बेंडाजोल और एफेंडाबेंडाजोल का टैबलेट भी मिलता है। अच्छा, तो वो भी दिया जा सकता है? हाँ, वो भी दिया जाता है सिरप की जगह पे। खिलाने वाला में थोड़ी परेशानी होती है तो उसको पानी में फुला दीजिए और सिरिंज ले लीजिए, सिरिंज में लेके मुँह में पिला दिया कीजिए। हाँ, और नहीं तो अगर इंजेक्शन देना है तो इंजेक्शन दीजिए। ठीक है सर, थैंक यू। ये चीज़ होता है।